गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आइडियल गैसेस को मिक्स किया जाता है तो एंट्रोपी चेंज क्या आता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एंट्रोपी का क्राइटेरिया क्या रहता है, यानी कि एंट्रोपी क्राइटेरिया इन द सेंस ऑफ स्पॉन्टेनिटी एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए मेन कंडीशन क्या है कि प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि प्रोसेस ऑलवेज रिवर्सिबल। तभी क्या होगा, जो फॉरवर्ड प्रोसेस है और जो बैकवर्ड प्रोसेस है उसकी रेट जब इक्वल हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहेंगे। ठीक है, यानी प्रोसेस क्या होना चाहिए, रिवर्सिबल। यानी इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग डेल एस रिवर्सिबल इक्वल टू हो गया डी क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय डी। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, या फिर कहें कि इक्विलिब्रियम जो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मस्ट कंडीशन ये है कि प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल होना चाहिए। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है तो एंट्रोपी चेंज क्या होगा, ये वाला लिखेंगे। और स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनिटी यानी कोई भी प्रोसेस स्वतः होता है, प्रोसेस स्वतः कब होगा, स्पॉन्टेनिटी का मतलब है कि जब कोई प्रोसेस बिना किसी बाह्य बल के संपन्न हो जाए। तो इस तरह के प्रोसेस होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस होते हैं, यानी कि ये प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल होते हैं, वन डायरेक्शनल होते हैं। तो स्पॉन्टेनिटी के लिए मस्ट कंडीशन है इरिवर्सिबिलिटी। जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो अकॉर्डिंग टू क्लासियस इनइक्वालिटी, यानी क्लासियस असमानता के अकॉर्डिंग एंट्रोपी चेंज हम क्या दिखाएंगे, डीएस ग्रेटर डी क्यू इरिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, सो डीएस ग्रेटर इक्वल डी क्यू बाय टी, ये लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डीई प्लस डी डब्ल्यू। सो डीएस ग्रेटर डीई प्लस डी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टी, और टीडीएस ग्रेटर होगा, ग्रेटर या इक्वल होगा डीई प्लस डी डब्ल्यू, या फिर इसको लिख सकते हैं टीडीएस डी को इधर ले आएंगे माइनस डीई, डी डब्ल्यू इधर आ गया माइनस डी डब्ल्यू प्लस टीडीएस ग्रेटर या इक्वल जीरो। यानी कि कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है उसमें जो भी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है, जो भी वॉल्यूम चेंज हो रहा है, जो भी एंट्रोपी चेंज हो रहा है, और उस सिस्टम के द्वारा जो भी वर्क किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर वैल्यू वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है वो जीरो आती है, इसका मतलब जो प्रोसेस वो जीरो आती है तो क्या हुआ कि जो प्रोसेस है वो क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एंट्रोपी चेंज क्या होगा, जीरो होगा। अगर इन सब की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन जीरो आती है, ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है और क्या है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो ये था एंट्रोपी के स्पॉन्टेनिटी और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो एंट्रोपी है उसका क्राइटेरिया। मैं तो स्पॉन्टेनिटी जो होती है वो एक अदर थर्मोडायनेमिक टर्म हम आगे पढ़ेंगे, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज जो होगा अगर वो नेगेटिव आता है तो वो प्रोसेस ऑलवेज क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। यानी स्पॉन्टेनिटी को मैन डिसाइड कौन करता है, ये जो थर्मोडायनेमिक टर्म है गिब्स फ्री एनर्जी डीजी है वो डिसाइड करती है। अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड, देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पे
कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी सब्सटेंस की एंट्रोपी अगर हम देखें तो कितनी आती है, डीएस इजिकल टू होता है किसी भी सब्सटेंस के लिए अगर टेम्परेचर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज देखें, यानी प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया और किसी भी सब्सटेंस का हमने टेम्परेचर चेंज किया तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, डीएस इजिकल टू होगा सीवी सीपी टी डीटी, यही होगा। क्योंकि देखिए हमने देखा था कि एस एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, जब पढ़ा था तो हमने इक्वेशन डेराइव की थी डीएस इजिकल टू होता है सीपी टी डीटी माइनस डेल वी अपॉन डेल डेल टी कॉन्स्टेंट पी डी, ठीक है। अगर वॉल्यूम प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ठीक है, या फिर ये कहें कि प्रेशर के सापेक्ष वॉल्यूम में बहुत ही कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के सापेक्ष बहुत ही कम चेंज हो रहा है तो इस वाले टर्म को हम क्या मान लेते हैं, नेग्लेजिबल मान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सॉलिड और लिक्विड के लिए ये वाले टर्म हम लगभग नेग्लेजिबल मानते हैं, तो डीएस इज इक्वल टू क्या लिखते हैं सीपी बाई टी डी टी, यानी हम ये मान के चलते हैं कि प्रेशर के सापेक्ष सॉलिड और लिक्विड की एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर टेम्परेचर के सापेक्ष आप वॉल्यूम का चेंज देखोगे तो वो लगभग नेग्लेजिबल आएगा। तो प्रेशर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है, नेग्लेजिबल। तो कांस्टेंट प्रेशर की तरह मान ली, कांस्टेंट प्रेशर की तरह कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, सीपी बाई टी इंटू डीटी। अब माना कि कोई ठोस पदार्थ है, उस कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर हमने जीरो केल्विन से टी केल्विन तक बढ़ा दिया, जीरो केल्विन टू टी केल्विन। लेकिन ये जो टी केल्विन टेम्परेचर है वो इसके मेल्टिंग से कम है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से कम है, इसके गलनांक के बिंदु से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी सॉलिड है वो जीरो केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर पे, इसमें अब क्या है सॉलिड जो है वो टी टेम्परेचर पे है, टी केल्विन टेम्परेचर पे और टी प्रेशर पे, ठीक है। तो एंट्रोपी चेंज यानी इस दौरान जब सॉलिड का टेम्परेचर हमने जीरो केल्विन टेम्परेचर था उससे हमने टी केल्विन टेम्परेचर तक बढ़ा दिया, लेकिन वो जो टी केल्विन टेम्परेचर है वो उसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या है, कम है, ठीक है। तो इस दौरान जो भी एंट्रोपी चेंज होगा वो हम क्या लिखेंगे, डीएस जीरो टू टी इक्वल टू सीपी बाई टी डी टी जीरो से टी, तो इसे हम लिखेंगे एस टी माइनस एस नोट इक्वल टू जीरो से टी सीपी टी डी टी। अब देखिए ये जो एस नोट है यानी कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी सॉलिड की एंट्रोपी जो होती है, वो मान के चलते हैं हम जीरो मानते हैं, यानी कि एस नोट क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ ये बात कहता है, थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग यानी प्लैंक के अकॉर्डिंग किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी जीरो केल्विन ताप पर या परम शून्य ताप पर क्या होती है, जीरो होती है। तो जब ये जीरो है तो हम लिख सकते हैं एस टी इक्वल टू होगा जीरो टू टी सीपी बाई टी डी टी, ठीक है। यानी कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी जो है वो एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो है ये कहें वो जीरो होती है, या फिर कहें कि किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी जीरो केल्विन टेम्परेचर पर या परम शून्य ताप पर क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के तरह कोई न्यू कंस्ट्रक्ट नहीं देता है, ओनली जो एंट्रोपी है उसकी परिसीमा निर्धारित करता है, ठीक है। देखिए हमने जब मैंने आपको पहले आपको एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी ये सब बताया था यानी स्टेट फंक्शंस के बारे में बताया था, तो मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्टेट फंक्शंस होते हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि इसीलिए हम क्या करते हैं इनमें चेंज ज्ञात करते हैं डेल एच डेल ई डेल जी, लेकिन जो एंट्रोपी है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी चेंज तो ज्ञात करते ही करते हैं जबकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जीरो केल्विन टेम्परेचर पर जब किसी भी शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी जीरो है तो
टी टेम्परेचर पर उसकी जो एंट्रोपी हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि अभी हमने लिखा था एस टी इक्वल टू क्या लिखा था, जीरो से टी सी पी बाई टी डी टी, और ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।